हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कई वीडियोस में पूछा है व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज साइकोलॉजी एंड हाउ साइकोलॉजी इज यूजफुल इन आर एवरीडे लाइफ। आप किसी भी क्लास में हो, ऑल्दो दिस कैन बी एन आंसर फॉर वन ऑफ द क्वेश्चन इन क्लास 11th 12th, बट फिर भी आप किसी भी क्लास में हो और अगर आप जनरल भी साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑन माई चैनल आई हैव गॉट टू नो दैट देर आर सो मेनी चिल्ड्रन हु आर स्टडिंग साइकोलॉजी जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर आप आउट ऑफ इंटरेस्ट भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, देन ऑल्सो यू शुड नो दैट हाउ साइकोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट इन आर डेली लाइफ। कौन कौन से वो तरीके हैं जिनके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि साइकोलॉजी हमारे लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में हमेशा ये चीज़ आपको बोली है कि साइकोलॉजी हम अपनी रेगुलर लाइफ में हमेशा यूज़ करते हैं, बट कहाँ पर वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, उन 5 ways के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो कुछ भी हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो प्लीज़ गो एंड जॉइन द टेलीग्राम चैनल, और उस चैनल की जो लिंक है वो आपको बायो में डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगी। ऑल्सो यू फॉलो अस ऑन Instagram बिकॉज देयर वी आर सेंडिंग पोस्टिंग कंटिन्यूस अपडेट्स फॉर यू विच मे बी यूजफुल फॉर यू इफ़ यू आर स्टडिंग साइकोलॉजी थ्रू माई चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस बिगिन एंड लेट अस टॉक अबाउट द 5 ways ऑफ साइकोलॉजी और 5 ways विच आर इम्पॉर्टेंट इन आर डेली लाइफ। सो द फर्स्ट थिंग इज इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स। साइकोलॉजी मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन्स थिंक एंड बिहेव वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी पीपल कैन कॉम्प्रिहेंड जेस्टर्स एंड एक्शंस विच वुड मेक कम्युनिकेशन इवन ईजियर। सी आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल हेयर। आपको पता है कि कोई पर्सन अगर रो रहा होता है या बहुत उदास होता है, तब आप ये चीज़ महसूस करते हैं कि आपको उस पर्सन से किस तरह से बात करनी है, या कोई पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो आपको अपने इमोशंस को या पेशेंस को किस तरह से होल्ड करना है जिससे कि कोई रिवर्स रिएक्शन या कोई गलत सिचुएशन क्रिएट ना हो। सो दिस इज़ वॉट दिस इज़ ऑल साइकोलॉजी जिसको हम यूज़ करते हैं इन आर कम्युनिकेशंस इन आर डेली टू डेली। यू नो वी कैन से कि जो कुछ भी हम किसी से बातचीत करते हैं वहाँ पर इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। बट अगर हमें साइकोलॉजी की अच्छे से नॉलेज है, हम जानते हैं कि हमें किस सिचुएशन के लिए क्या रिएक्शन देना चाहिए, तो वो चीज़ हमारे कम्युनिकेशन में झलकेगी, वो हमारे बिहेवियर में दिखाई देने लगेगी। तो इस तरह से साइकोलॉजी इज़ वेरी वेरी यूजफुल इन इम्प्रूविंग आर कम्युनिकेशन स्किल्स। सेकेंड इज़ बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। ये चीज़ पहले वाले पॉइंट से बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। कैसे? जब आप ये जानते होते हैं कि आपको अपने कम्युनिकेशन को किस तरह से मेंटेन करना है, सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू बिल्डिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप। आप जिस तरह से अपने बॉस से बात करते हैं, आप जिस तरह से अपने एम्प्लॉई से बात करते हैं, आप जिस तरह से अपने टीचर से बात करते हैं, सब में बहुत डिफरेंस होता है। हम एक ही पर्सन होकर बहुत सारे अपने फैमिली में या अपने फ्रेंड से हमारा बिहेवियर अलग अलग होता है। तो वाई इट इज़ सो? बिकॉज वी नो हाउ टू एंड वॉट टू टॉक टू वॉट पर्सन। तो बिल्डिंग रिलेशनशिप इज़ वन ऑफ द वेरी मेजर फैक्टर वी कैन से, क्योंकि वो हमारे बिहेवियर का ही पार्ट होता है और स्टडी ऑफ बिहेवियर कम्स अंडर साइकोलॉजी। तो एज वी ऑलरेडी नो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी प्लेज अ मेजर रोल इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्शंस देयर बाय फॉस्टरिंग रिलेशनशिप्स। सो नेक्स्ट बात हम करते हैं, दैट इज एनरिचिंग करियर्स। साइकोलॉजी हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड अदर्स एंड एस्टैब्लिश फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स। पीपल हैविंग अ साइकोलॉजिकल आइडिया वुड स्टैंड अ बेटर चांस टू बिल्ड फ्रेंडशिप एंड देयर कोवर्कर्स। इफ़ यू हैव यू नो अ गुड कमांड ओवर साइकोलॉजी, आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं, आप ये जानते हैं कि हमें कहाँ किस तरह से बिहेव करना चाहिए, तो आप इस करियर में भी ग्रो कर सकते हैं। जो लोग इन चीज़ों में गिफ्टेड होते हैं, सम पीपल आर यू नो वेरी इंटेलेक्चुअल, दे नो हाउ टू ट्रीट पीपल, सो दे डू वेरी गुड व्हेन दे ऑप्ट साइकोलॉजी एज अ करियर। और अदरवाइज ऑल्सो इवन इफ दे आर नॉट गोइंग फॉर अ करियर इन साइकोलॉजी, दे नो हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप विद देयर कोवर्कर्स। सो दिस इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन करियर, क्योंकि अभी लास्ट उसमें हमने बात की थी कि यू नो हाउ टू ट्रीट योर बॉस। आपको पता होता है वहाँ पर हमें कैसे बात करनी है। आपने देखा होगा ना किसी पर्टिकुलर वर्क प्लेस पर कुछ इंप्लॉयज़ जो होते हैं वो बहुत अच्छा ग्रो कर जाते हैं। सो एक्चुअली दे नो हाउ टू एंड वॉट टू डू, इस कंसेप्ट को वो साइकोलॉजी की हेल्प से सॉल्व करते हैं, एंड दैट इज़ हाउ दे ऑलवेज ग्रो इन देयर करियर। तो किसी भी करियर में वो जाएं, इफ़ दे नो हाउ टू बिहेव वेल, इफ़ दे नो हाउ टू ट्रीट अदर पीपल, इफ़ दे यूज़ यू नो इमोशंस प्रॉपरली, सो दिस इज़ हाउ दे बिकम वेरी सक्सेसफुल इन दिस फील्ड।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्टिल सेल्फ कॉन्फिडेंस. डेफिनेटली, क्योंकि अगर कोई पर्सन अपने आसपास के लोगों के बीच रिलेशनशिप बिल्ड करना जानता है तो ऑब्वियसली सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा डेवलप होगा उसके अंदर. और जब वो सक्सेसफुल होता जाएगा अपनी लाइफ में तो भी उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता चला जाएगा. तो वन कैन गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय लर्निंग एंड नोइंग मोर अबाउट वन सेल्फ एंड देयर पर्सनैलिटी. दिस हेल्प्स द पर्सन टू नो हिज और हर वीकनेस एंड इनेबल्स देम टू बिल्ड ऑन देम. तो इस तरह से जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है तो आप ना तो केवल खुद की हेल्प कर सकते हैं बल्कि आपके आसपास के लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं. और आपके बिहेवियर की वजह से, आपके उस कॉन्फिडेंस की वजह से आपके अलावा बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनको ये बेनिफिट मिल जाता है आपसे. सो दिस इज़ हाउ इट इंस्टिल्स सेल्फ कॉन्फिडेंस. एंड द लास्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वन कैन गेन इनसाइट इनटू पीपल्स बिहेवियर. दैट इज साइकोलॉजी हेल्प अस गेनिंग इनसाइट इनटू पीपल्स बिहेवियर. ऑब्वियसली व्हेन, बिकॉज जब आप साइकोलॉजी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, आप लोगों के संग बिहेवियर रिलेशनशिप डेवलप कर पाते हैं तो आप उनके लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को समझने लग जाते हैं कि अगर कोई पर्सन आपके साथ बिहेव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, क्या वो अपनी लाइफ में ट्रबल में है या वो बहुत ज़्यादा खुश है तो वो कैसे रिएक्शन दे रहा है. उन चीज़ों को आप समझते हैं, आप उन पर ओवर रिएक्ट नहीं करते या आप उन चीज़ों को अदरवाइज नहीं लेते, आप उन चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं. और इससे क्या होता है, आपके उस पर्सन के संग अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड होने लग जाते हैं. Psychology tells us about all aspects of human behavior. It not only tells us about general human characteristics but also points out differences in their behavior. जैसे मैंने आपको बताया कि कोई पर्सन हमेशा बहुत नॉर्मल रहता है बट अगर वो कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो हम ये समझ पाएंगे. Not everyone can understand, but a person who is having mastery in psychology will be definitely able to understand कि वो पर्सन इतना ज़्यादा गुस्सा या रिएक्शन क्यों दे रहा है. और ये जो केसेस आते हैं, these comes under clinical psychology. एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ वॉट दैट हेल्प्स टू गेन इनसाइट इन टू अदर पीपल्स बिहेवियर. इसीलिए लोग साइकोलॉजी से अपनी स्टडीज़ कम्प्लीट करने के बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा जाना चाहते हैं क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. सारे पॉइंट्स को अगर मैं समअप करूँ तो बस इतना आपसे कहूँगी कि जो भी हमने पाँचों पॉइंट हैं डिस्कस करें हैं, समवेयर दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. सो दैट मीन्स दीज आर नॉट जस्ट फाइव वेज, देर कैन बी सो मैनी मोर. अगर हम इनको समझने की कोशिश करें तो हम ये देख रहे हैं कि आपस में सब कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर से ही कनेक्टेड हैं, ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर से कनेक्टेड हैं, विच साइकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट वॉट. तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा. डोंट फॉरगेट टू गेट दिस PDF on Telegram. I'm again telling you to please join us on Telegram. There you will get all the study material that too for free. Also follow us on Instagram, and if you have any query, drop your questions below. See you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.